हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय रोमियो गेमर चैलेंज। आज मैं आपको बताऊंगा हर्ट अटैक कैसे करें। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। एवरीबॉडी से अगर आप भी इस तरह का हैक करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आपके फ़ोन में जो भी फाइल मैनेजर है उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इंटरनल स्टोरेज में क्लिक करने के बाद आपको जाना है एंड्रॉयड फाइल में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फाइल मिल जाएगा OBB का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपके सामने एक फाइल मिल जाएगा COM.DTS फ्री फायर। तो दोस्तों, उसके 3 डॉट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को रीनेम कर लेना है। दोस्तों, रीनेम करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, आप लोगों को फाइल को इसलिए रीनेम करना है कि आगे के प्रोसेस में हम फ्री फायर को अनइंस्टॉल करने वाले हैं। अनइंस्टॉल करने के टाइम में फाइल्स डिलीट ना हो जाए, इसलिए उसको हम रीनेम कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को फ्री फायर को अनइंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों, अनइंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्री फायर हैक वर्जन का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब भी डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये फाइल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को सिंपल सा इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को सिंपल सा फिर से फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर से आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देना है। इंटरनल स्टोरेज को ओपन करने के बाद फिर से आप लोगों को एंड्रॉइड को ओपन करना है। उसके बाद OBB को ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर से आप लोगों को COM.DTS फ्री फायर इस फाइल को रीनेम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी यहाँ पर लेटर ऐड किया था उसको कट कर देना है। उसके बाद ओके के ऊपर टैप कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद सिंपल सा आप लोगों को बैक आ जाना है। उसके बाद फ्री फायर को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, फ्री फायर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इसको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, अलाउ करने के बाद आपके सामने फ्री फायर जो है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद जो है फ्री फायर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको आपकी प्रो आईडी से लॉगिन नहीं करना है। जिस आईडी में आप खेलते नहीं उस आईडी से लॉगिन करना है, या आपकी गेस्ट आईडी से आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों, लॉगिन होने के बाद आप लोगों को सिंपल सा ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्री फायर जो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक क्लासिक मैच स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस तरह से हैक को यूज़ करना है। तो दोस्तों, मैच स्टार्ट होने के बाद आप लोगों को करना क्या है, हैक को ऑन नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत लूट कर लेना है, उसके बाद ही जो है हैक को ऑन करना है। तो दोस्तों, हैक को यूज़ करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा करना क्या है, इस वाली लोगों के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, लोगों के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऑटो एएम बॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ऑन कर देना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पता चल गया है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब